दोस्तों नमस्कार, बात करते हैं आज एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रिन्यू किया जाता है, उसके बारे में। साथ में ऐसे कुछ दोस्तों का कमेंट आया था दोस्तों, जैसे कि जिन्होंने रिन्यू कराया है उनका रिन्यू में रजिस्ट्रेशन के पीछे ही रिन्यू का डेट और सील साइन कर दिया जाता है। साथ में कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, नए नर्सिंग प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और यदि कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकली है तो उन लोगों को यदि रजिस्ट्रेशन करवाना है, जॉब के लिए वैकेंसी का फॉर्म भरना है, यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उसके लिए नोटिफिकेशन है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं और नोटिस पढ़ लेते हैं, साथ में और कुछ जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये नर्सिंग कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का नोटिस है, महत्वपूर्ण सूचना है। और विषय की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के संबंध में है, जहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि 1/6/2015 के अनुसार अगर किसी छात्रा का रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के साथ साथ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS और रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आ जाता है, सूचना में मोबाइल में मिल जाती है, उस कंडीशन में रोजगार आवेदन हेतु मान्य है। इस SMS से नर्सिंग प्रत्याशी रोजगार हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नवीन ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद में, जैसे कि MP ऑनलाइन का डिजिटल हस्ताक्षर हो जाता है, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। आप किसी भी राज्य में हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन डिजिटल सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट से बात करते हैं दोस्तों, जो नर्सिंग प्रोफेशनल ने 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रिन्यू करा रहे हैं, उनके संबंध में दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र में, जिसमें नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रत्येक 5 वर्ष में रिन्यू किया जाता है। इस हित काउंसिल कार्यालय में व्यवस्था है कि पुराने सर्टिफिकेट के पीछे ही रिन्यू की सील लगाकर उसे वर्तमान दिनांक से अगले 5 वर्ष की दिनांक तक लिखकर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर किए जाकर जारी किया जाता है, और यह व्यवस्था काउंसिल गठन से ही निर्धारित की गई दोस्तों। तो अब दोस्तों यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है 2020 के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद में नया सर्टिफिकेट ना बनके आपके पुराने सर्टिफिकेट के पीछे ही सील साइन करके आपको दे दिया जाता था, उसी के लिए ये नोटिफिकेशन है दोस्तों जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं अपन जैसे रिन्यू करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस रहती है, तो वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों। उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट में आना रहेगा और इस वाले पेज में जाना रहेगा, लिंक में एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो इसका पेज ओपन हो जाता है इस प्रकार से। चलिए हम क्लिक करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो अपने सामने ये पेज ओपन हो गया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पर, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल थ्रू MP ऑनलाइन, यदि यस तो यस करना है यहाँ फर्स्ट में, या नो है तो नो करना है। यदि हम यस करते हैं तो चलिए देख लेते हैं, क्लिक करके यस करते हैं तो किस प्रकार से पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपने सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कोर्स यदि आपका NM है तो यहाँ क्लिक करना है, GNM है तो GNM में, BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन का डेट डालना है पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल यदि है तो वो डालना है, और यहाँ पे आपका नाम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं रिलीजियन में वो डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका एक मोबाइल नंबर डालना रहेगा, यदि MP के डोमिसाइल है तो यस करना है, और आपका सेलेक्ट करना है जो भी आपका राज्य है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि यहाँ पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल है, विश्वविद्यालय भोपाल है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर है, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर MP है, इस तरह से सारे आप जो भी आपके मतलब विश्वविद्यालय हैं यूनिवर्सिटी हैं आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट किसी में क्लिक करके आपका यहाँ पूछा जाएगा कि कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, उसके अलावा आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना रहेगा दोस्तों, और ये
जो ब्लैंक बॉक्स है इसको क्लिक करना रहेगा, टर्म एंड कंडीशन को कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया, और फिर उसके बाद ये कैप्चा को आंसर यहाँ पे टोटल लिख के सबमिट करना रहेगा। तो आपका रिन्यू के लिए पेज आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार से पेज आता है रिन्यू वाला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिन्यू यदि आपका फॉर्म हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको रिसिप्ट मिलेगी, अप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से होगा, जहाँ पे आपकी बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है दोस्तों 600 रुपये है, और यहाँ पे इस तरह से आपकी रिसिप्ट मिलेगी, नाम पता और आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप जहाँ जॉब करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना रहेगा। और यदि दोस्तों यदि आपने लेट कर दिया तो आपकी लेट फीस भी लगेगी 1200 रुपये, टोटल यहाँ 1950 रुपये की फ़ी बन रही है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।